एक जनवरी को कुछ लुटेरे सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में पकड़े गए थे, उनके साथ कुछ अन्य व्यक्ति भी पकड़ करके थाने पर लाए गए थे पूछताछ के लिए, और उनको पूछताछ के बाद थाने से जाने देने दिया गया था। बाद में कतिपय सूत्रों से ये ज्ञात हुआ कि वो जो लड़के छूटे थे उनसे पुलिस के नाम पे किसी ने ठगी करके 60,000 रुपये ले लिए हैं। जब इसकी गहराई से और विस्तृत जांच की गई और जो लड़के छूटे थे उनके परिजनों से और उनसे पूछताछ की गई, तो ये बताया गया कि एक व्यक्ति ने एसपी सिटी के नाम पे 60,000 रुपये लिए हैं और बाकी 1,00,000 रुपये उसको और लेने हैं। जब उस व्यक्ति को पकड़ा गया और उसके घर वालों से, जो लड़के पीड़ित थे उनके घर वालों से विस्तृत पूछताछ की गई, तो पता चला कि इस व्यक्ति ने झांसे में रख करके इनको लाल डिगी चौराहे तक लेकर के आया और लेकर के आकर के उनको एक जगह खड़ा कर दिया और उनको घूम घाम करके फिर अपनी जगह पे पहुंच गया और बताया कि हमने बात कर ली है। स्वाभाविक रूप से पुलिस ने उनको वैसे ही छोड़ दिया था, जाने दिया था, चूँकि वो निर्दोष थे, लेकिन इस तरह की ठगी की थी इसमें इसकी गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि इसने भय दिखा करके इस तरह की जेल चले जाओगे वसूली की थी, उसको गिरफ्तार किया गया है। उससे जो 60,000 रुपये लिए गए थे उसकी रिकवरी कर ली गई है और उसको जेल भेजा जा रहा है।